हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नवगार सिस्टम्स। इस वीडियो में हम मोबाइल सिग्नल बूस्टर के बारे में बात कर रहे हैं। मोबाइल सिग्नल बूस्टर ट्राई बैंड बूस्टर है जो हमारे पास। इसमें बेसिकली ये उन लोगों की रिक्वायरमेंट है जिनके घर में, ऑफिस में, दुकान में, फैक्ट्री में सिग्नल नहीं आता। बाहर सिग्नल आता है पर अंदर सिग्नल नहीं आता। छत पे जाते हैं तो सिग्नल प्रॉपर आता है, घर के अंदर आते हैं तो सिग्नल नहीं आता, या फिर सिग्नल बहुत डाउन हो जाता है, टावर्स जो हैं वो डाउन हो जाते हैं और बात ठीक ढंग से नहीं हो पाती। तो उस केस में हम इस मोबाइल सिग्नल बूस्टर को यूज़ करते हैं। नॉर्मली इसमें ट्राई बैंड के दो तरह के बूस्टर आते हैं, जो जिसमें से एक है 900, 1800 और 2100 का। ये इनकी फ्रीक्वेंसीज है मेगाहर्ट्ज के अंदर, मतलब 900 मेगाहर्ट्ज, 1800 मेगाहर्ट्ज और 2100 मेगाहर्ट्ज। इसका मतलब ये है कि इसके अंदर एयरटेल, आइडिया, वोडाफोन, BSNL ये सारे नेटवर्क चलेंगे। जियो का इसमें नहीं चलेगा, इसमें जियो का बूस्टर, जियो की फ्रीक्वेंसी इसमें नहीं है। और इसके साथ साथ एक दूसरा बूस्टर भी आता है, ये है जियो 4G 3G। इसमें इसके फ्रीक्वेंसीज हैं 850, 1800 एंड 2100। इसके अंदर जियो का 850 है और बाकी, मतलब इसमें जियो, आइडिया, BSNL और वोडाफोन ये चारों चलेंगे, एयरटेल इसमें बूस्ट नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि इसमें एयरटेल बूस्ट नहीं होगा का मतलब ये नहीं है कि एयरटेल को ब्लॉक करेगा, एयरटेल को ब्लॉक नहीं करेगा, एयरटेल जैसा चलता होगा वैसा चलेगा। और एयरटेल भी बूस्ट हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द एरिया कि उस एरिया में एयरटेल किस फ्रिक्वेंसी पर काम कर रहा है। सिमिलरली इसमें भी ऐसे ही होगा, ये जियो को बूस्ट नहीं करेगा पर जियो को बूस्ट कर सकता है और जियो को ब्लॉक नहीं करेगा। अब ये बूस्टर लगेगा कैसे, इसके बारे में हम जानते हैं। जहाँ जैसे कि इसमें आप देख सकते हैं कि ये दो एंटीनाज हैं। ये एक एंटीना जो है, ये हम कोई भी एक एंटीना हम छत पे लगा सकते हैं, इसको हम पैच पैनल भी बोलते हैं। इसके साथ इसकी ये ब्रैकेट भी है जिसको कि हम किसी चीज़ के साथ माउंट कर सकते हैं। एक एंटीना छत पे लगेगा, एक एंटीना अंदर लगेगा। किस तरीके से लगेगा, ये इसके साथ कनेक्टर है, ये कनेक्टर है, एक कनेक्टर यहाँ लगेगा जो कि इस एंटीना के साथ कनेक्ट होगा। LMR 300 केबल जो है वो आपको हमारे पास मिल जाएगी, उसकी हेल्प से वायर नीचे तक आएगी बूस्टर तक। ये BTS साइड पर ये यहाँ पर लग जाएगा और ये हमारा जो बाहर से सिग्नल है वो बूस्टर तक आ जाएंगे। और बूस्टर को हम 12 वोल्ट अडेप्टर जो उसके साथ है, इससे हम इसको ऑन करके इसके सिग्नल ये बूस्ट करेगा। यहाँ पर हम इससे रिसीविंग, ये तो हो गई इनपुट, अब हम इससे आउटपुट लेंगे यहाँ मोबाइल साइट पर इसका कनेक्टर लगा करके LMR केबल। अब जिस कमरे में हमें सिग्नल को बूस्ट करना है उस कमरे में हमें इस एंटीना को सीलिंग पे लगा देना है और ये उस एरिया के 10 मीटर्स के रेडियस के अंदर सिग्नल्स को बूस्ट करेगा जहाँ पर ये एंटीना लगाया जाता है। तो ये तो हुआ हमारा सिग्नल बूस्टिंग की बात उस कमरे के अंदर। मान लीजिए हमारे कमरे एक से ज़्यादा हैं या फ्लोर्स हमारे मल्टीपल हैं। हमने फर्स्ट फ्लोर पे लगा दिया बूस्टर और हमें ग्राउंड फ्लोर पे भी सिग्नल चाहिए। हमारा फर्स्ट फ्लोर पे तो सिग्नल चल गया, एक एंटीना लगा करके चल गया। फिर हम एक एंटीना और लगा सकते हैं, उसमें अगर हमें एक एंटीना और ऐड करना है, मतलब हमें इंटरनली दो एंटीनास कनेक्ट करने हैं, तो हमें एक टी कनेक्टर ऐसा लगाना पड़ेगा जो कि इससे दो आउटपुट लेगा और आगे वो दो एंटीनास में डिवाइड हो जाएगा। और जिससे कि आप एक को आप एक रूम और दूसरे को आप दूसरे रूम, या एक को आप एक फ्लोर और दूसरे को दूसरे फ्लोर में लगा करके दोनों जगह पर सिग्नल्स को बूस्ट कर सकते हैं। अगर आपके सिग्नल्स मल्टीपल और भी ज़्यादा, आपने दो से ज़्यादा इंटरनल एंटीनास लगाने हैं, तो इस तरह का ये एक फोर वे स्प्लिटर आता है जिसमें कि आप एक तो इनपुट जाती है और चार आउटपुट जाती है, 1 2 3 4, ये इसमें आउटपुट जाने का है। प्रिंसिपल वही है, इसमें 2 आउटपुट हैं, इसमें 4 आउटपुट है, इसमें 4 आउटपुट है, इससे हम मल्टीपल अप टू मैक्सिमम 4 एंटीनाज लगा सकते हैं। साथ ही साथ बूस्टर का जो वर्किंग है, जो इसकी जो क्वालिटी ऑफ आउटपुट है, वो इस बात पर भी डिपेंड करती है कि आपके एरिया में कितना नेटवर्क स्ट्रॉन्ग सिग्नल का आ रहा है। ये ज़रूरी नहीं है कि बूस्टर, अगर छत पर आपके फुल टावर आ रहे हैं तो घर में भी बिल्कुल 100% फुल टावर आएंगे। आ सकते हैं, इस चीज़ की कोई गारंटी नहीं है, 100% कोई गारंटी नहीं कर सकता कि कितने सिग्नल डेफिनेटली बूस्ट होते हैं। और आपको जो सिग्नल्स की क्लैरिटी और जो क्वालिटी में काफ़ी फ़र्क नज़र आएगा, बट कुछ लोग कह सकते हैं कि हल्का उनके
तीन लाइंस आ रही हैं या टावर्स जो हैं तीन आ रहे हैं, तो इस तरीके से हो सकता है। बट डेफिनेटली जहाँ पर आपके एक ही टावर या बिल्कुल कोई भी टावर नहीं आ रहा था, वो बूस्ट होकर दो तीन या चार तक जा सकता है। तो इस चीज़ के लिए भी हम एक तरह का ये एक डिस्क्लेमर है, ऐसा हो सकता है। साथ ही साथ हम प्रोडक्ट की एक साल की वारंटी भी देते हैं, अडैप्टर की वारंटी नहीं होती और वायर की कोई वारंटी नहीं होती, कनेक्टर्स वगैरह की कोई वारंटी नहीं होती। बाकी सब चीज़ें बिल्कुल कामयाब हैं और वर्किंग हैं। और अगर आपको इससे इसके रिलेटेड और भी ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप हमें नीचे दिए हुए नंबर्स पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।